मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के माफिया राज को खत्म करने के लिए पुलिस प्रशासन को फ्री हैंड दिया है, लेकिन जब सरकारी कर्मचारी ही जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने लगे तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, अशोकनगर जिले के पिपरई में ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां राजस्व विभाग के चौकीदार ने 80 बीघा पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। पिपरई तहसील में एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जिसमें सरकारी कार्य में ही सरकारी विभाग के चौकीदार द्वारा बाधा डाली जा रही थी। जी हाँ, ये मामला है पिपरई का, जहां नगर परिषद द्वारा लगभग 10 से 15 बोर स्वीकृत हुए थे, जिसमें से एक बोर ट्रेचिंग ग्राउंड में नगर परिषद द्वारा लगाया जा रहा था। इसी बीच राजस्व विभाग के एक चौकीदार काशीराम द्वारा उस पर रोक लगाई गई। नगर परिषद द्वारा पिपरई पुलिस को सूचना दी गई। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंचे TI नरेंद्र सिंह यादव ने समझाइश देकर उक्त जगह पर बोर लगवाया। नगर परिषद पिपरई में पदस्थ शाखा प्रभारी रामेश्वर शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजस्व विभाग के चौकीदार ने करीब 80 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। बाबूजी, ये जो नगर परिषद में बोर लगाए जा रहे हैं उन पे पड़ोसियों द्वारा रोकने की बार बार शिकायतें आ रही हैं। इसमें क्या शासन द्वारा नगर परिषद पिपरई में 15 वार्डों में 15 बोर लगाए जाना है, जिसमें जो शासकीय भूमि है या जो नगरी क्षेत्र के सीमा अंतर्गत आती है उसी में जो है कि शासकीय बोर अपन लगा रहे हैं ताकि आम जनता को परेशानी हो। लेकिन अभी मुझे जानकारी मिली कि शासन का जो हमारा ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा भूमि आवंटित की गई है, उक्त भूमि में हमको हैंडपंप लगवाना है ताकि वहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत वहाँ पर गतिविधियाँ संचालित की जा सके। लेकिन उक्त जगह पर जो तहसील में चौकीदार है श्री काशीराम जी, उनके द्वारा जो है कि वहाँ पर बोर का खनन नहीं किया जा रहा है, जबकि शासन द्वारा उनको शायद भूमि कुछ आवंटित की गई है, लेकिन उनके द्वारा वहाँ पे देखा गया कि आप भी जान के वहाँ पर निरीक्षण करें तो 80 बीघा से अधिक भूमि पर उनके द्वारा अतिक्रमण किया जाकर और उस पर फसल उगाई गई है। तो इस संबंध में मैं वहाँ पे गया तो फिर मैंने तहसीलदार साहब को फोन किया, मैंने कहा सर आपका जो चौकीदार है वो जो वहाँ पे आपत्ति कर रहे हैं, वहाँ की और लोग कोई आपत्ति नहीं कर रहा है। तो माननीय तहसीलदार साहब ने उसको बुलाया था और उसको डांटा भी कि जी शासकीय काम में शासकीय कार्य में आप बाधा उत्पन्न ना करें, लेकिन उसके बाद भी फिर वो नहीं माना है। तो फिर जो है कि थाने पर CMO साहब ने TI साहब को फोन किया था और थाने से पुलिस टीम गई थी और वर्तमान में उसको काशीराम को पुलिस पकड़ के लाई और थाने में जो है कि उसको बैठा के नहीं और समझाइश दी जा रही है। आगामी कार्रवाई जो है कि TI साहब जैसा निर्देश देंगे उस आधार से उस बोर खनन को प्रारंभ किया जाएगा। अभी जो है कि मशीन बंद पड़ेगी। फिलहाल देखना होगा कि CM शिवराज के आदेश पर माफिया राज को खत्म करने में जुटा प्रशासन राजस्व विभाग के चौकीदार के खिलाफ कोई एक्शन लेता है या नहीं। पिपरई से जगदीश यादव की रिपोर्ट।